तो क्या हाल चाल रेडियो लोग, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो कैसे निकला। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिए गए हैं। तो CBSE ने बोला है कि जो भी क्लास 10 की स्टूडेंट है उनको जो है मार्क्स दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से। जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो हमारे रमेश पोखरियाल जी ने बताया है कि इंटरनल असेसमेंट है, क्लियरली इन्होंने बता दिया है। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट में हमारे प्री बोर्ड के मार्क्स आ गए, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ आ गए, प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ आ गए, ये सब कुछ हमारे आते हैं, इंटरनल असेसमेंट है। आपको उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। अगर अगर आप उस मार्क्स से खुश ना हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप मार्क्स से खुश हो जो इंटरनल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के द्वारा दिए गए हैं, तो आप हैप्पी 11th में स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे आपको कौन से टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए वो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले और आपको एक से एक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू, गुड नाइट।